बारिश व अंधड़ ने विद्युत विभाग की पोल खोलकर रख दी है। जी हां, महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र के आधा दर्जन गांव इन दिनों एक हफ्ते से बिजली की आंख में चौड़ी से परेशान है। हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण ग्रामीणों का रात के अंधेरे में बाहर निकलना दूभर हो गया है। यहां के ग्रामीण मीडिया को अपनी व्यथा सुनाते हुए 24 घंटे बिजली देने की मांग कर रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग के आला अधिकारी अघोषित बिजली कटौती से इनकार करते हुए अपनी ही राग अलाप रहे हैं। सर, समस्या ये है कि बिजली तो बहुत गोल रहता है, यहाँ बिजली के जो कर्मचारी है वो लोग ठीक से ध्यान नहीं दे पाते बिजली वगैरह का। कभी तार टूट रहा है, कभी खंभा गिर रहा है, तो इस तरीके से बिजली का आम जन लोग बहुत परेशान है लाइन गोल की वजह से। बिजली में तो समस्या है सर, शाम होते लाइन कट जाते हैं और हम 6 डिपरापारा ग्राम बंदरा डिपरापारा आखिरी में है, पूरा हिल्ला है, हमारे बीच जंगल है, तो बहुत हम निराश हैं। लाइन के दौरान कई पेड़ गिर जाते हैं, इंसुलेटर भ्रष्ट हो जाते हैं, कई पोल टूट जाता है। उस टाइम 33 लाइन से हमारी झलक से निकली हुई है रायतुन फीडर करके, उसमें 2-3 सब स्टेशन आ जाता है, पोल पदर है, रायतुन सब स्टेशन है, तो रायतुन सब स्टेशन से हमारी जो बंदोरा जो गांव आता है, बंदोरा फीडर के नाम से ही निकला हुआ है, वो काफी गांव खेत खार और जंगल से होते गुजरे, तो हमको लाइन डिटेक्ट करने में टाइम लगता है। और जशपुर जिले के